सर आपका नाम? मदन लाल आजाद। आजाद जी, आज आपने ये पूना पैक्ट दहन का जो कार्यक्रम रखा है, पूना पैक्ट दहन का क्या मतलब है? पूना पैक्ट दहन का मतलब है कि जो 1932 में आज ही के दिन 24 सितंबर को कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब और मदन मोहन मालवीय के बीच जो नाजायज समझौता हुआ था भारत के दलितों को हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखने के लिए, आज उसकी 85वीं वर्षगांठ है और हम इस अवसर पर उस पूना करार को जलाएंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हमें वही कम्युनल अवार्ड वापस दिया जाए जिसके तहत हमें भारत का शासक बनना था, भारत के धन धरती का मालिक बनना था। हमें ये पूना करार नहीं चाहिए क्योंकि इसके तहत आज 70 साल की आज़ादी के बाद भी SC ST को जो आरक्षण दिया गया है, OBC को जो आरक्षण मिला है मंडल कमीशन के तहत, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, केवल पार्लियामेंट और असेंबलीज में, निगमों में आरक्षण के कोटे, राजनीतिक जो आरक्षण था उसको पूरा किया गया है और उस आरक्षण के नाम पर हमारे समाज के जो गुलाम, कायर, डरपोक और दलाल किस्म के लोग होते हैं वो पार्लियामेंट्स में, असेंबलीज में और टाउन एरियाज में जाकर के बैठ जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यदि इस पूना पैक्ट को निरस्त कर दिया जाएगा और हमें कम्युनल अवार्ड वापस दे दिया जाएगा जो 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने हमें दिया था, तो हमारे जो वास्तविक जुझारू लोग हैं, वास्तविक ईमानदार लोग हैं, जो हमारे समाज के लिए सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं, देश के मजदूर और किसान के हित में काम कर सकते हैं, असेंबलीज में, सदनों में उनकी आवाज़ उठा सकते हैं, वो वहाँ चुन करके पहुँच जाएंगे। और जो ये पूना करार वाली घटिया किस्म की व्यवस्था है, इसके तहत तो ऐसी आज स्थिति है कि ईमानदार आदमी, संघर्ष करने वाला आदमी, समाज की बात करने वाला आदमी गाँव का प्रधान का चुनाव नहीं जीत पाता। इसलिए हम इस पूना पैक्ट को निरस्त करवाने की मांग कर रहे हैं और उस कम्युनल अवार्ड को लागू करवाने की मांग कर रहे हैं जिसके तहत हमारे आदमी को केवल हमारे ही लोग अपने वोट से चुनते, ये दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ा सदनों में आज नहीं बैठा होता। एक अच्छे, ईमानदार और जुझारू किस्म के लोग सदनों के अंदर होते और वो जब सदनों के अंदर होते तो देश के पुलिस प्रमुख, देश के सेना प्रमुख, देश के न्यायपालिका के प्रमुख सब हमारे होते। चूँकि हमारा देश है, हम इसकी मिट्टी से पैदा हुए हैं, हम इस मिट्टी को प्यार करते हैं, इस देश को प्यार करते हैं और आज 1947 के बाद जिन लोगों को इस देश की बागडोर पूना करार के तहत सौंप दी गई है उन लोगों को इस देश से प्यार नहीं है, इस देश की मिट्टी से प्यार नहीं है, इस देश के खेत से प्यार नहीं है, इस देश के पशुओं से प्यार नहीं है, उन्हें विदेशी पशुओं से प्यार है। वो विदेशी पशुओं को माता बोलते हैं, विदेशी पशुओं की पूजा करते हैं, उन्हें हमारे यहाँ के पशुओं से भी प्यार नहीं है। वो कुत्ते की पूजा कर सकते हैं, सांप की पूजा कर सकते हैं और दुनिया भर की चीज़ों की पूजा कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लोगों से नफरत करते हैं, उन्हें आज भी अछूत कहते हैं। तो इस देश की 70 साल की आज़ादी के बाद भी जो अन्याय, अपमान और शोषण की पीड़ा हमारे लोगों को झेलनी पड़ रही है इस देश के अंदर, हम चाहते हैं कि वो ख़त्म हो और 1932 में 17 अगस्त को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमसेसे मैकडोनाल्ड साहब ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया था उसको भी लागू किया जाए और उसमें आज के हिसाब से थोड़ा बहुत संशोधन कर लिया जाए, क्योंकि अब बहुत सारे और वर्ग जो है हो गए हैं। वैसे हालांकि उसमें भी था, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं था, लेकिन लोगों को मालूम नहीं थी। वो भी 9 समुदायों को दिया गया था, उसमें भी OBC के लोग थे, SC थे, ST थे, उधर साउथ की लिंगायत कौम के लोग थे और आपके द्रविड़ियन लोग थे, आधर्मी लोग थे, इस तरह से 9 कम्युनिटीज़ को दिया गया था 1932 में भी कम्युनल अवार्ड, लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं था। लोगों के दिमाग में ये भूसा भर दिया गया, गोबर भर दिया गया कि केवल वो SC के लिए था, ST के लिए था, ऐसा नहीं था। वो 9 वर्गों के लिए था, लेकिन छल के साथ और एक षड्यंत्र के साथ गांधी ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर अम्बेडकर को बहका लिया, डरा लिया, धमका लिया और उनके साथ चुपचाप जो है वहाँ यरबदा जेल के अंदर, क्योंकि जेल में तो बहुत सारे लोग नहीं जा सकते ना, अगर वही समझौता किसी खुली सड़क पर होता, खुले मंच पर होता तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद उसी वक्त आग लगा देते गांधी और उस पूना करार को समझौता करने वालों में, मारते बहुत, देश में उसी वक्त क्रांति हो गई होती। लेकिन जेल के अंदर हुआ वो, तो जेल में तो 4 आदमी बैठ के कुछ भी लिख लो और कुछ भी घोषित कर दो, ऐसा हुआ। तो हम ऐसे नाजायज समझौते को निरस्त करने की मांग करते हैं, उसको यहाँ जलाएंगे और कम्युनल अवार्ड को उन्हें वापस उसी तरह से लागू करेंगे।